सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल हिंदी टेक इजी फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपडेट्स और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं एकेएम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस नए वीडियो में और हमारे आपके चैनल हिंदी टेक इजी में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप भी किसी के भी चेहरे का स्टिकर, जैसा कि आप साइड में कुछ स्टिकर्स देख पा रहे होंगे, अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने चेहरे का या किसी और के चेहरे का ऐसा स्टिकर्स, तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक इजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिसकी मदद से आपको नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है बॉबल कीवर्ड और सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी जिसे आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। अगर ये एप्लीकेशन आपको नहीं मिलती है तो मैंने इसका लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की डाउनलोड्स कितनी ज़्यादा, 5 मिलियन की डाउनलोड्स है, 4.6 की इसकी रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो यहाँ पे आके इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ इस टाइप की ओपन हो जाती है और यहाँ पे आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने के लिए कह देता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के इसे वेरीफाई करा देना है। तो मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे कुछ कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे जो आपने डाला है, उस कोड को यहाँ पे डाल करके आपको एरो का बटन दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं एरो के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने चेंज कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको बॉबल कीवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू हेड पे क्लिक करना है। अभी कुछ देर लोड लेता है। अब ये देखिए, अब आपको यहाँ पे कीप दिस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज है आपका वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंग्लिश केवल सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, अब आपको यहाँ पे स्टोरीज दिख रहा होगा, ऊपर कई सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, GIF, स्टिकर्स, हेड्स। तो यहाँ पे हेड्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी है, जिसका भी हेड आप लगाना चाहें उसका हेड लगा सकते हैं आप। आप फ़ोटो अपनी खींच के डाल सकते हैं, नहीं तो गैलरी में से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं गैलरी में से कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एरो का बटन दिख रहा होगा ऊपर, आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मेल सिलेक्ट करना है आपको। अब डिटेक्ट कर रहा है फेस, अब ये डायरेक्टली इसका बबल बना देगा, मतलब कि इसका पिक्चर का स्टिकर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो कुछ देर टाइम लेता है। ये देखिए, अब इसमें से आपको जो भी पिक्चर अच्छी लग रही है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे मुझे सेकंड वाली अच्छी लग रही है तो मैं सेकंड वाली पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये अम्बे कुछ आ रहा है, अब ये आपको कर देना गॉट इट पे क्लिक। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आ गया है फेस में तो आपको इरेज़र से इरेज कर सकते हैं, उसे फेस क्लीन कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको राइट का बटन दिख रहा होगा ऊपर में, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। अगर एडिट करना चाहें फेस को तो आप एडिट कर सकते हैं, मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, ये बबल सेव कर रहा है। अब यहाँ पे कई सारे बबल्स आ जाएंगे बनके। अगर आपको इसे शेयर करना है तो एक बार आपको टैप करना है, अगर आप दो बार टैप करेंगे तो ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे कई सारे बबल बन के आ चुके हैं हमारे फेस के। तो आप किसी के भी फेस का बबल आराम से बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप और कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पे आपको टाइप और मैसेज हियर का ऑप्शन मिल रहा होगा, जैसे कि मैं हाय टाइप कर देता हूँ, इंग्लिश सिलेक्ट करके हाय, और यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, अब सब पिक्चर पे हाई लिख के आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, आप जो भी लिखना चाहें स्टिकर पे वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपको और सारे स्टिकर ये कम पड़ रहे हैं स्टिकर, तो यहाँ पे नेक्स्ट पैक का ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे नए और सारे आ जाएंगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे सेकंड GIF का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखिए, अब यहाँ आपको GIF मिल जाएगा, जैसा कि चलती हुई पिक्चर्स। तो यहाँ भी आप बबल अपना बना सकते हैं काफ़ी आसानी से।
और इसमें भी नेक्स्ट पेज ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे बबल बन के आ चुके हैं। ये देखिए जो पिक्चर आपने सिलेक्ट किया है उसका GIF चलती हुई पिक्चर अपने आप बन के आ चुकी है। तो अगर ये पिक्चर को आपको सेव करना है तो आपको डबल टैप कर देना, जैसे कि मैं सेकंड वाले पे कर देता हूँ। ये देखिए अब ये सेव इन गैलरी आप कर सकते हैं, नहीं तो इसे डायरेक्टली यहाँ से व्हाट्सएप से किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, इसकी मदद से आप काफ़ी आसानी से किसी भी फेस का बबल आप बना पाएंगे काफ़ी आसानी से। अब यहाँ पे लैंग्वेज भी सिलेक्ट करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे थीम्स मिल जाती हैं, जैसा कि आप अपने कीवर्ड का थीम रखना चाहते हैं जिस पर टाइप करते हैं आप, तो वो थीम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप काफ़ी आसानी से किसी के भी फेस का बबल या स्टिकर बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक एजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके लाल कलर के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिसकी मदद से आपको हमारे नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।